चार धाम यात्रा का जो प्रोजेक्ट है उसका जो पहला फेज है उसका काम ये हो रहा है। आप ये सामने देख रहे हैं, ये योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे काम काफी तेजी से चल रहा है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और अच्छी बात यह है कि इस बार जो बजट आया है उसमें भी जो पैसे हैं वो अलॉट हुए हैं इसके लिए, तो ये एक बहुत अच्छी बात सामने आती है। और दोस्तों मैं आ चुका हूँ चार धाम जो प्रोजेक्ट चल रहा है चार धाम बाई ट्रेन उसके हब पर, मतलब उसके मेन बेस पर आ चुका हूँ जो बेस रहेगा। आप ये पीछे देख रहे हैं ये योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन है, इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और जिस फ्लाईओवर में मैं खड़ा हूँ ये बन रहा था उस समय, लेकिन फाइनली ये बनकर तैयार हो चुका है। आप ये देखिए फ्लाईओवर, तो ये फ्लाईओवर उस समय बन रहा था, अब ये बन गया है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि इसके नीचे से ही जो रेलवे ट्रैक होकर गुजरेगा और सामने चंद्रभागा नदी है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ आप देख रहे हैं सामने ब्रिज का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट है पॉइंट और ये सीधा जाएगा। और अभी जो ट्रैक है वो मैंने यहाँ पर आके जो ये ऊपर फ्लाईओवर अभी बना है, जब बना नहीं था, और ट्रैक आके अभी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। जो ट्रैक है ये अभी यहाँ पे भले से ख़त्म है, लेकिन ये ट्रैक ऐसे आएगा सीधा और कनेक्ट हो जाएगा ऐसे सीधे, और ये ब्रिज, तब ये ब्रिज बन रहा है अभी, और भी जो जगह जगह काम चल रहा है तो बाद में सब कुछ कम्प्लीटली जोड़ देंगे। देखिएगा आप यहाँ पे जो ट्रैक है मैंने आपको दिखाया था, ये ट्रैक इधर से जाएगा और ये फ्लाईओवर अभी बनाया गया है, इसलिए बड़ा पेंटेड है और बड़ा सुंदर लग रहा है। और ये देखिए इस पर लिख भी रहा है जनवरी 2020 इसकी डेट, तो ये अभी बना है, ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या क्या जो हमें नया देखने मिलता है, क्योंकि और एक और बात, ये जो सामने आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिफिकेशन के वायर, कॉपर के वायर हैं, बिल्कुल साफ चमक रहा है कॉपर एकदम, वरना आप देखते होंगे डीजल लोको चलते हैं तो बिल्कुल काले पड़ जाते हैं, ये लगता ही नहीं है कि कॉपर है। और देखिएगा आप कहाँ आ चुका हूँ मैं, सिर्फ और सिर्फ कुछ ऐसा कंटेंट देने के लिए जो आपको पसंद आए और कुछ अलग देखने को मिले, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको ये दिखाया जाए, क्योंकि वैसे तो बस एक इमेज ही देखने को मिलती, लेकिन वीडियो के माध्यम से अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होता, तो इसी वजह से मैंने सोचा कि आया जाए यहाँ पर, और मैं आया हूँ। उम्मीद है आपको जो वीडियो है वो भी पसंद आ रही होगी, हालांकि थोड़ी एनर्जी कम है क्योंकि सुबह से घूम ही रहा हूँ, बिल्कुल भी जो बैठने का भी टाइम नहीं मिला है, तो इसलिए थोड़ा सा दबाव है, लेकिन मज़ा आ रहा है क्योंकि ये सब कुछ देख के बहुत अच्छा लगता है कि आने वाले समय में जो हमारी रेलगाड़ी है यानी कि जो हमारी भारतीय रेल है वो कहाँ पहुँचने वाली है, तो बहुत अच्छा लगता है सब देख के। बाकी आपको कैसा लग रहा है ये वाली बात कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ये देखिए मोहित भाई अपना काम करते हैं, मोहित भाई आप बताइए कुछ कहना चाहेंगे इस रूट के बारे में? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि एक तो ये रूट बहुत लंबा बनने वाला है, और जब भी बनेगा इतना मज़ा आएगा इस रूट पर, आप चाहे बद्रीनाथ पहुँचो चाहे केदारनाथ पहुँचो, और केदारनाथ तो आप बिल्कुल सोनप्रयाग में उतर पाएंगे और तुरंत चढ़ाई स्टार्ट, तो आप समझ सकते हैं कि घर से बैठो वहाँ उतरो, फिर वहाँ से बैठो और घर उतरो, तो पैर भी जो थकान रस्ते में होती थी ना वो बिल्कुल खत्म, और आराम से आप लेट कर जा पाएंगे। आप ट्रेन, आप जानते हैं ट्रेन में स्लीपिंग व्यवस्था होती है कि बस वैसी होती नहीं है, और बस बहुत छोटी भी होती है क्योंकि पहाड़ों पे चलाने के लिए बस छोटी बनानी पड़ती है, मजबूरी है। बाकी हम तो आपको दिखा रहे हैं, आप वीडियो में देख रहे हैं, लेकिन जब मैं यहाँ पे आके देख रहा हूँ तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना अंदर से, बहुत ज्यादा अच्छी फीलिंग आ रही है, आप समझ सकते हैं, कंपेयर भी नहीं कर सकते किसी फीलिंग से, बस ये है। और अभी आप ये पीछे देख रहे हैं ये वॉशिंग लाइन बन रही है, तो मुझे लगता है काफी ज्यादा बड़ी वॉशिंग लाइन रहेगी और काफी ज्यादा रहेंगी, जिससे कि जो ट्रेन है वो आराम से चल पाए, मास की तरह ट्रेनें चलेंगी यहाँ से कम एक साथ, मेरे ख्याल से एक साथ कम से कम 10 या 12 ट्रेनें लॉन्च होंगी। बिल्कुल सही कहा, तो ये जो सामने की तरफ है ये वॉशिंग लाइन बन रही है, और मुझे लगता है यहाँ पे ऑटोमेटिक वॉशिंग लाइन होगी, क्योंकि तभी यहाँ पे ये खम्भे खड़े हैं और यहाँ पे लगा दिया जाएंगे सिस्टम, और ये सामने अवशेष है वॉशिंग लाइन के, कुछ समय बाद में हमें ये काफ़ी अच्छी देखने मिलेगी। हम ट्रैक पर आ चुके हैं, ये देखिएगा आप सामने ऊपर मेरे ओएची वायर, तो हम ट्रैक पर खड़े हैं, तो अभी मैं ट्रैक पर चल रहा हूँ और धीरे धीरे रात भी हो रही है, तो रोशनी कम होती जा रही है जिससे आपको थोड़ी वीडियो क्वालिटी अलग देखने मिलेगी। देखते हैं कितना आगे तक हम जा पाते हैं, कब तक अलाउड करते हैं, क्या पता कोई मना कर दे, वो तो अब आगे जाके पता लगेगा, तो अभी आगे चलते हैं और दिखाता हूँ मैं आपको आगे क्या क्या काम हो रहा है। तो यहाँ पे ट्रैक काफी ज्यादा बिछ चुके हैं, इधर ये तीन थे जो अभी मैंने क्रॉस करे हैं, और यहाँ पर पांच है, तो टोटल मिला के 8 ट्रैक तो यहाँ पे अभी तक बिछ चुके हैं। अब देखते हैं कब तक ये होता है, वैसे 19 फरवरी बताया जा रहा है
कि इसे चालू कर दिया जाएगा, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है कि 19 को हो ही जाएगा, क्योंकि पहले कुछ और डेट थी, बट अभी हुआ नहीं है।